हरियाणा के रोहतक स्थित सुनारिया जेल में बंद राम रहीम को गुरुवार सुबह लगभग 7 बजे पीजीआई लाया गया। खबरों के मुताबिक उनकी तबीयत खराब होने के बाद कड़ी सुरक्षा में पीजीआई लाया गया, लेकिन 2 घंटे बाद जांच और दवा देकर डॉक्टरों ने उन्हें वापस भेज दिया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम के पेट में दर्द उठा। उन्होंने दर्द असहनीय बताया। आनंद फानन में राम रहीम को आईजीआई रोहतक लाया गया। यहां लगभग 2 घंटे तक डॉक्टरों ने उनकी जांचें की, उन्हें दवा दी गई, उन्हें पेट दर्द में आराम मिल गया और जांच में भी कुछ नहीं निकला, इसलिए डॉक्टरों ने उन्हें वापस भेज दिया। इससे पहले राम रहीम को 12 मई को रोहतक पीजीआई लाए गए थे। तब जेल में कई मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले थे और उन्हें भी कोरोना की आशंका के चलते यहां लाया गया था। हालांकि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। आपको बता दें कि राम रहीम 25 अगस्त 2017 से सुनारिया जेल में बंद है। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने 2 साध्वियों से रेप मामले में 28 अगस्त 2017 को 10-10 साल की सजा सुनाई थी। बाद में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में उसे उम्र कैद की सजा हुई। तभी से राम रहीम इस जेल में बंद है। न्यूज़ डेस्क।